नहीं मान रहे आराम से हाथ सूजा पड़ा चीकू। हेलो गाइस वेलकम बैक टू न्यू। तो आज का वो मैं तो ये नंगे पैर लिफ्ट से ऊपर आ जाता है। नमस्ते भाभी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट में खबर वो बताया कल पक्का जाएगा। बाहर ही खड़े क्या भाभी सुन रही थी। चलो क्या देख रहे हो क्या हो गया करो वेलकम बैक करो जल्दी व्लॉग करना है आपका। आज क्यों रहे पता है क्या बात होगी क्या हो गया भाभी देखना है 10 मिनट से ऐसे कर रहे पिछले पता नहीं क्या हो गया इसको। पहला पहला प्यार है तो चीकू आज ना वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग नहीं कर रहा पता नहीं क्यों नहीं कर रहा। कोई तो बात है जब भी कैमरा ऑन करता हूँ ना ऐसी शक्ल बना लेता है। कर दो यार चीकू वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। अब यहाँ आके भी ऐसे नहीं मान रहे वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज का वो बहुत मजेदार होगा क्योंकि आज मैं लेने जा रहा हूँ क्यूब। ज्योमेट्री बॉक्स कहाँ मिला भाई साहब? मुझे मिला पुराने अपने बहुत पहले वाले स्पाइडरमैन वाले बैग में। 20 साल पुराना बैग था वो आराम से हाथ सूजा पड़ा चीकू। यहाँ पे सर लगा था भाभी पहले सर लगा फिर हाथ लगा नीचे हाथ तो सूजे गया पूरा। भाभी इसके पुराने बैग में था इसका ज्योमेट्री बॉक्स। हाँ मेरे को पता लगा कल इसने खुद ही ढूंढा है। जगह जगह ढूंढते रहे हम स्कूल में पूछा ट्यूशन पे पूछा और ये हरकत थी इस। नहीं आपने तो रखा होगा पुराने बैग में। मैंने नहीं रखा। और किसने रखा था पता नहीं। एक भूत आया हमारे घर पे और उसने जो ज्योमेट्री बॉक्स उठाया और आपके बैग में रख दिया। नहीं और आंटी ने रख दिया। हेलो गाइस वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज का बहुत मजा होने वाला है। आज मैं लेने जा रहा हूं 4x4 क्यूब ले। एक चीज सुनी आपने क्या भैया? हेलो गाइस वेलकम बैक टू न्यू। तो आज का बहुत मजा है क्योंकि आज मैं लेने जा रहा हूं 4x4 क्यूब। 4x4 तो कितनी बार लिया है आपने? तत्तू क्या बाहर निकाल दिया रुक जाओ। हाँ भाई साहब ट्यूशन नहीं गए आज आप? छुट्टी थी नहीं छुट्टी मारी है। हैं बहुत ज्यादा भूख लगी बहुत ज्यादा। क्यों भाई कुछ खाया नहीं? नहीं कुछ भी नहीं खाया। क्या खाना है चीकू फिर? कुछ भी। चलो अभी किचन में आओ मम्मी के पास चलते हैं। मम्मा मुझे बहुत भूख लगी नूडल्स बना दो। नूडल्स खाने? हाँ जी बेटा मुझे पता है आपको नूडल्स खाना बहुत पसंद है लेकिन पता है मार्केट में ना ये सब चीजें ना अनहेल्दी मिलती हैं और मैंने ना बहुत सर्च करके ना आपके लिए स्लब फार्म के मिलेट नूडल्स मंगवाए हैं तो मैं वो बना के आपको खिलाती हूँ। ठीक है तो गाइज मैं आपको भी स्लब फार्म के मिलेट नूडल्स के बारे में बताना चाहती हूँ। तो गाइज मेरे पास यहाँ पे फॉक्सटेल और लिटिल मिलेट नूडल्स हैं। इनमें फाइबर और सारे पोषक तत्व हैं जो बच्चों के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो इन नूडल्स के साथ स्पाइस मिक्स भी आता है जो कि नेचुरल स्पाइस है। ये नूडल्स सच में बहुत ही ज्यादा टेस्टी और हेल्दी है। इसमें कोई भी ऑयल और मैदा नहीं होता है। ये नूडल्स बेक्ड है फ्राइड नहीं है बिल्कुल। इनमें कोई भी प्रिजर्वेटिव आर्टिफिशियल कलर और फ्लेवर नहीं है। ये 100% वेजिटेरियन है। अभी मैं बनाने जा रही हूँ आपको भी दिखाती हूँ कैसे बनेगा। सबसे पहले इसमें हमें 2 ग्लास पानी चाहिए। ये मेरा 1 ग्लास पानी है। 1 ग्लास और पानी डालूंगी मैं भी। ये दूसरा ग्लास पानी। एक पैकेट नूडल्स के लिए आपको 2 ग्लास पानी चाहिए होगा तो मैं आपको दिखा देती हूँ अंदर से नूडल्स कैसे होते हैं। पानी हल्का बॉईल हो जाए उसके बाद मैं इसे डालूंगी। तो जब तक पानी बॉईल हो रहा है तब तक मैं थोड़ी वेजिटेबल तैयार कर लेती हूँ नूडल्स में डालने के लिए और नूडल्स में मटर तो बहुत अच्छे लगते हैं इसलिए मैं मटर छील रही हूँ। अब मेरा पानी बॉईल हो गया है इसमें मैं नूडल्स को डाल देती हूँ। तो अभी जब मेरी नूडल्स बॉईल हो जाएंगे उसके बाद मैं नेचुरल जो मसाला है इसका वो इसमें ऐड करूंगी। तो मेरे नूडल्स जो है वो पूरी तरह से बॉइल्ड हो गए हैं। मैं इनका पानी जो है निकाल देती हूँ। अब मैं इसको थोड़ा ठंडा पानी से धो लेती हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करूंगी। अब जो मैंने वेजिटेबल कट किया था अब मैं इसमें ऐड करूंगी। आप इसमें कोई भी वेजिटेबल ला सकते हो जो भी आपके बच्चे को पसंद हो। चीकू को मटर कैप्सिकम और बीन्स ही पसंद है इसलिए मैंने वही ऐड किया है। अब हम इसमें 100% नेचुरल स्पाइस जो है वो यूज करेंगे। मसालों की जो खुशबू है वो बहुत ही अच्छी आ रही है और मेरी सारी वेजिटेबल जो है वो पक चुकी है कुक हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी अपने नूडल्स। ये नूडल्स जो है वो बहुत ही अच्छे हैं कोई भी चिपका हुआ नहीं है। अच्छे से अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि जो स्पाइस है जो मसाला है वो पूरी तरह से इसमें ऐड हो जाए। मेरे नूडल्स जो है वो ऑलमोस्ट पक चुके हैं पूरी तरह से। अब मैं इसे चीकू को टेस्ट कराती हूँ पूछती हूँ कैसा है। तो ये जो नूडल्स हैं ये बच्चों के लिए और बड़ों के लिए सबके लिए हेल्दी है तो मैं भी साथ में ट्राई करूंगी कैसा बना है। तो अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ मेरे लिए और चीकू के लिए। दिखने में तो काफी अच्छा लग रहा है और खुशबू भी बहुत जबरदस्त है। अब वेट नहीं हो रहा बिल्कुल भी खाने का। चीकू नूडल्स आ गए। अम्मा बहुत देर से वेट कर रहे थे इसको खाए तो मजा आ जाएगा। खाओ फिर लो। बहुत अच्छा बहुत अच्छा है। बहुत यम्मी बने ना।
मम्मा तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। लो बेटे और खाओ चुन्नी मुन्नी मेरी बेटी। गाइस लव फार्म के प्रोडक्ट जो है वो दो माओ ने मिलके बनाया, तो माओ को अच्छे से पता है बच्चों के लिए हेल्दी क्या है। माँ ने एक हेल्दी चीज को इतना टेस्टी बना दिया कि बच्चे खुश होकर खाते। तो गाइस इन नूडल्स का लिंक्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर आप भी ऑर्डर करना चाहें तो वहां जाके ऑर्डर कर सकते हैं। मेरा कूपन कोड पायल20 यूज करें और नीचे दिए गए लिंक से अगर आप ऑर्डर करते हैं तो आपको 20% ऑफ मिलता है इनके सारे प्रोडक्ट पर। मजे ले रहे हो चिकू? अम्मा कलर आया यार, कलर आया? नहीं नहीं नहीं, बर्गर आया अम्मा। लो इतना सतरंगा बर्गर, बहुत टेस्टी है। वो गिर गया नीचे। ओए यार थोड़ा तो गिर जाता है ना बर्गर, अब खा लिया तो फेंक दो ना, खत्म हो गया। हाँ भैया चिकू नहा रहे, मुझे कह रहा है मम्मा मेरी नई वाली कोलगेट लेकर आओ, मैं उसकी अनबॉक्सिंग करूंगा वॉशरूम में। बाथरूम? हाँ बाथरूम में अनबॉक्सिंग करेगा। काय मिल नहीं दे रही मैं, क्यों कौन सी चाहिए? कह रहा है बैटमैन वाली, तो इसकी अनबॉक्सिंग ही खुद ही करेगा। अंदर चश्मा मेरा लगा रखा है। पागल हो गया तू? नंबर वाला पापा को पता चलेगा मार खाएगा बहुत। देखो चश्मा ला के दिया ना तेरा, अंदर मैं साफ कर देती हूँ। बताओ ब्लर देख रहा था, इसको दिख थोड़ा ना रहा होगा सही से। पागल आदमी है ना ये? पागल आदमी है चीकू? नहीं। फिर क्यों देख रहे थे मेरे वाला है चश्मा लगा के? चीकू मूवी का टाइम निकल रहा है, देखनी नहीं क्या मूवी? देखनी है ना, चलो फिर जल्दी बंद करो इसको, आ जाओ इसको लेके नीचे चलो। हमारे भाभी इसकी क्रॉक्स नहीं मिल रही 2-3 दिन से, पड़ी होगी देखो। ना ना कहीं भी नहीं है, पता नहीं कहाँ गिर के आया। कहाँ छोड़ के आया बेटा? दो तीन दिन हो गए ढूंढते, कहीं नहीं मिल रही। तो अभी कुछ और जूते पहना दो नॉर्मल वाले। गर्मी में क्या करेगा जूते पहन के? नीचे छोड़ के आ रहा है। मैंने आपको क्या बोला था? नीचे नीचे है, क्योंकि मुझे पता है ना। तो नंगे पैर ऊपर आ गया था नीचे। ये क्या करता है, जैसे क्रॉक्स नीचे छोड़ दी तो ये नंगे पैर लिफ्ट से ऊपर आ जाता है। मैंने एक आधी बार देखा है इसको, इसलिए मुझे शक हुआ कि नीचे छोड़ के आया है। क्यों भाई साहब ऐसा क्यों करते हो आप? बस कर दे, मजा आता आपको ऐसा करने में? तो गाइस निकलते हैं फटाफट, डूबी रह दे। चले भैया लेट हो रहे हैं बहुत ज्यादा। चलो भाभी फिर चलो चीकू, चलो ये बोल थोड़ी ना लेके जानी है। तो क्या करना है? चलो चलो। तो चीकू मूवी से पहले पॉपकॉर्न लेने चला गया। चलें अंदर भी तो मिलेगा, 3D है ना, मत पंगे लो चीकू। तो और कौन कर रहा है? ये अंदर भाग गया था लेने। हेलो नमस्ते, अभी चीकू ऊपर भी नहीं आया था? नहीं भैया चीकू आया था, ऊपर आया था भैया, खेलने के लिए गया, आके पूछ के चला गया था, अब ले आओ उसे। जाओ वेलकम वेलकम वेलकम, पापा से तो मिलो। हां जी क्या मतलब है? मूवी तो बताई थी तूने, कैसी थी? अच्छी थी। पसंद आई? जाते ही बोला कहता राम बनूंगा अब मैं। तूने मेरे को एक बार भी थैंक यू बोला कि पापा आपने मुझे मूवी दिखाई आज? थैंक यू पापा, है? थैंक यू पापा। कैसा लगा? एक्शन करके दिखा दो जी को पापा। एक्शन तो करके दिखा थोड़ा बहुत। वो शेर देखे तो? शेर? हाँ शेर मैं बनूं। तो गाइस बहुत ही जबरदस्त मूवी है RRR, जरूर जाना अपनी फैमिली के साथ देखने। और उसमें एक चीज आपको बहुत ही जबरदस्त सीखने को मिलेगी कि निभाया कैसे जाता है अपने फर्ज को भी, अपनी दोस्ती को भी। क्या बोलते हो पापा? हाँ। हाँ। पापा वो ना एक बच्चे ने मुझे गुस्सा मार दिया अभी। हाँ। कोई बात नहीं, बच्चा है। फिर तूने क्या बोला? मैंने उसके बंद करो। शाबाश बेटा। क्या कह रहे? नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। नमस्ते आंटी। मम्मी पापा का नहीं, आप गलत घर में आए हो। चलो अपने, अब अगर आ गए हो तो कुछ खा पी के निकलो। नहीं भाभी चलो ऐसे जाओ। नहीं आंटी है ना, आपकी मम्मी का कि मम्मी पापा का है? अच्छा चीकू है? अच्छा कैसे विश्वास कर ले भाभी चीकू है? हाँ यार कैसे विश्वास, चीकू जैसे कुछ हरकतें करके दिखाओ। कौन है आपके पास इसमें से? आपका नया कोना कौन सा, पुराना कौन सा बताओ। तो कुछ हरकतें करके दिखाओ वहाँ खड़े होके, चीकू जैसे डांस करता है, चीकू जैसे बोलता है, वैसे कुछ करके दिखाओ। चीकू दूध बॉटल में पीता है या ग्लास में? ग्लास में। चीकू ये तो अच्छा, चीकू का कोई डांस स्टेप दिखाओ जो हमें समझ आए। यही चीकू है। अच्छा और चीकू की तरह कुछ बोल के दिखाओ। गुड बाय बाय गाइस, वेलकम बैक टू एवरीवन। तो आज का वीडियो मजा आएगा क्योंकि आज मैं जा रहा हूं नया क्लिप लेने। और तुमने बाय बाय गाइस, मैं नेक्स्ट टाइम मैं कब इसको चीकू ये चीकू ये चीकू ये जवानी वो हाय गर्मी करना चाहिए। हाय गर्मी, हाय गर्मी, हाय गर्मी, हाय मम्मी। क्या बोला मम्मा? बड़ी तेज तेज का पानी आ रहा है। पानी पीना है कह रहा, पानी आ रहा है, पानी पीना है। टोपी काल देखो क्या करके लाया है।
टॉप पे छोड़ो भाभी, इसके पैर देखो मम्मा, इसको कितने दिन से नहीं गए भाई साहब, क्या हो गया मुँह में? क्या हो गया? पानी निकल गया भाभी। कितने दिन से ट्यूशन नहीं जा रहा है? कितने दिन से ट्यूशन नहीं जा रहा है? हाँ, बहुत दिन से जा रहा है। कल पक्का जाएगा। जाएगा कल? हाँ पक्का जाओगे कल। मेरा ज्योमेट्री बॉक्स मिल गया अभी ही मुझे, तो मैं कल जाऊंगा भैया। नहीं पक्का जाएगा कल, प्रॉमिस। मम्मा बस मेरी एक ख्वाहिश माननी पड़ेगी। मांगनी पड़ेगी इससे? माननी पड़ेगी। मुझे सुना ही दिया था, माननी पड़ेगी। क्या मानू बताओ मुझे? मेरा अभी का बड़ा। अच्छा मैं समझ गई थी ख्वाहिश क्या है। मैं समझ गई कि मम्मा मुझे सुला दो। ए मम्मा ना सुबह ना मम्मी ना बोले थे ये कैसे खोलेगा, तो मम्मी मुझे पता है, मम्मी को पता ही नहीं कि ये डिजाइन है, तो ये टू एक झटका आया इसमें टूटने का। अच्छा अच्छा मेरे बारे में बात हो रही है? अच्छा भारी खड़े क्या भाभी? सुन रही थी, वहां जा रही थी मैं किचन में, मेरे को गोलू में सुनाई दिया, मैं इधर ही खड़ी हो गई। चीकू 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 चीकू।